जब से इंसान ने इस दुनिया में आँख खोली, इसकी हमेशा से ख्वाहिश रही कि वो परिंदों की तरह हवा में उड़ सके। दुनिया की ज़्यादातर तहजीबों की अदब और फ़नून लतीफ़ा की तारीख में आपको ऐसी कहानियाँ और शायरी कसरत से मिलेगी कि जिसमें बार बार इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है। और तारीख में अक्सर ऐसे वाक़यात का जिक्र भी मिलेगा जब मुख्तलिफ लोगों ने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए शदीद जद्दोजहद की और इन्हें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। कभी पतंगनुमा ग्लाइडर बनाकर, कभी गर्म हवा वाले गुब्बारे बनाकर और कभी आतिशबाजी वाले रॉकेटों को कुर्सी के नीचे बांधकर आग लगाकर। मगर इन तमाम तरीकों से की गई परवाजें ना सिर्फ इंतहाई कम दौरानिए की थीं, बल्कि इनमें से ज़्यादातर बिल्कुल बेकाबू परवाजें थीं। यानी उड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को हवा में उछालने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन ज़्यादातर ना तो हवा में अपनी सिमत बदल सकते थे और ना ही इनके पास वापस ज़मीन पर बखैरियत उतरने का कोई रास्ता था। लेकिन परवाज का ख्वाब देखने वालों ने अपनी कोशिशें जारी रखी, खास तौर पर आज से तकरीबन 150 साल पहले जब बरे आज़म यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में सनती इनकलाब अपने अरूज पर था। उस वक्त के अनगिनत लोगों ने अपने अपने साइंसी इल्म के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की मशीनें तो ईजाद की, मगर तकरीबन सारी की सारी उड़ने में नाकाम रही। लेकिन फिर 1903 में अमरीका से ताल्लुक रखने वाले दो सगे भाइयों विल्बर राइट और ऑलविल राइट ने एक ऐसा जहाज बनाया जो कि ना सिर्फ ज्यादा देर के लिए परवाज कर सकता था, बल्कि इसके अंदर अपनी सिमत बदलने और महफूज तरीके से वापस जमीन पर उतरने की सलाहियत भी मौजूद थी। राइट बरादरान के जहाज में जो खासियतें थीं और इसे जिन बुनियादी साइंसी और कुदरती उसूलों के तहत तैयार किया गया था, वो तमाम के तमाम साइंसी और कुदरती उसूल आज भी वही हैं। हत्ता कि आज के बड़े बड़े और भारी भरकम जहाज भी इन्हीं साइंसी और कुदरती उसूलों को बरूए कार लाकर बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे अहम है जहाज को ऊपर उछालकर हवा में बुलंद करने वाली एयरफॉइल टेक्नोलॉजी। एयरफॉइल टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये जानने के लिए हमें जहाज के परों की बनावट का जायजा लेना होगा। दुनिया के तमाम जहाज मुख्तलिफ धातों से बने होते हैं, लेकिन तमाम जहाज धात की सिंगल चादर से नहीं बल्कि मुख्तलिफ धातों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। जहाज के पर न सिर्फ अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, बल्कि ये तमाम हिस्से मुख्तलिफ किस्म के काम भी सर अंजाम देते हैं। जहाज के परों का मरकजी बड़ा हिस्सा एक मखसूस किस्म की साख्त में बना होता है। इस किस्म की साख्त को एयरफॉइल साख्त कहा जाता है। जहाज के पर की यह साख्त जहाज को हवा में बुलंद करने में मरकजी किरदार अदा करती है, और यह अमल जहाज के हवा में बुलंद होने से पहले रनवे पर दौड़ने के दौरान पेश आता है। जहाज को उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ाना इंतहाई अहम है और इसका वाहिद मकसद है सामने से आती हुई ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार हवा को जहाज के परों के साथ टकराना। जब सामने से आती हुई तेज रफ्तार हवा पर के अगले हिस्से से टकराती है, तो वो इसकी एयरफॉइल साख्त की वजह से इसके ऊपर और नीचे वाली सतह से फिसलती हुई पीछे की जानिब से जोर से नीचे की तरफ बहती है। जहाज के इंजन इसे मुसलसल आगे धकेलते रहते हैं, और जब सामने से आती हुई तेज रफ्तार हवा के साथ इसके परों का टकराव मुसलसल काफी देर तक जारी रहता है, तो इसके परों के निचले हिस्से पर ऊपर की सिमत की जानिब दबाव बनने लगता है। इस दबाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पायलट्स जहाज के परों पर लगे हुए फ्लैट्स और स्लैट्स को हरकत में लाकर पर की एयरफॉइल साख्त को मजीद उभार देते हैं, जिसके नतीजे में तेज रफ्तार हवा पर के निचले हिस्से के मजीद ज्यादा रकबे के साथ टकराती है, जिससे परों के निचले हिस्से पर दबाव मजीद बढ़ जाता है। और जब यह अमल काफी देर तक जारी रहता है, तो परों के नीचे दबाव इस कदर बढ़ जाता है कि वो पूरे के पूरे जहाज को उठाकर ऊपर की तरफ उछाल देता है, और ये भारी भरकम जहाज फिजा में बुलंद होकर उड़ने लगता है। जैसे ही जहाज रनवे पर परवाज की गर्ज से भागना शुरू करता है, इस पर चार कुदरती कुवतें असरअंदाज होती हैं। नंबर एक, जमीन की कशिश सकल, यानी जमीन की वो मकनातीसी कशिश जिसके तहत जमीन हर शय को अपनी तरफ खींचकर अपने साथ लगाकर रखती है। इस कशिश सकल को अंग्रेजी में ग्रेविटी कहते हैं। नंबर दो, जहाज पर चाहे जैसे भी इंजन लगे हों, इनका एक ही काम होता है, और वो है जहाज को आगे की तरफ जोर से धक्का देना। इंजन अपने आगे मौजूद हवा को जज्ब करते हैं और पिछली जानिब से तेजी से निकाल बाहर फेंकते हैं, और जब पीछे की जानिब से हवा तेजी से बाहर निकलती है, तो जहाज को मुखालिफ सिमत में यानी आगे की सिमत में जोर से धक्का लगता है। तकरीबन उसी तरह जिस तरह आप हवा से भरे गुब्बारे में से हवा निकाल दें, तो वो मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगता है। गुब्बारे में जितनी ज्यादा हवा होगी और वो जितनी ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगी, इतनी ही तेजी से गुब्बारा मुखालिफ सिमत में जाएगा। इसी तरह जहाज का इंजन भी पिछली जानिब से
जितनी जोर और तेजी से हवा खारिज करेगा जहाज को आगे की तरफ उतनी ही जोर से धक्का लगेगा। इस धक्का लगने के अमल को थ्रस्ट कहते हैं। नंबर 3, जैसे ही जहाज आगे की तरफ बढ़ने के लिए हरकत करनी शुरू करता है तो मुखालिफ सिंथ में से आने वाली हवा इसकी जिस्मानी साख्त के साथ टकरा कर इसके खिलाफ मुजाहमत पैदा करती है। जैसे जैसे जहाज की रफ्तार तेज होती जाती है वैसे ही हवा की मुजाहमत भी बढ़ने लगती है। हवा की मुजाहमत के खिलाफ आगे बढ़ने के नतीजे में पैदा होने वाली इस कुव्वत को अंग्रेजी में ड्रैग कहते हैं। नंबर 4, जहाज की एयरफॉइल साख्त वाले पर के निचले हिस्से से टकराने वाली हवा से पर के नीचे बनने वाले दबाव के नतीजे में जो कुव्वत जहाज को ऊपर की तरफ उछालती है इसे अंग्रेजी में लिफ्ट कहते हैं। यानी अगर जहाज के उड़ने को इसकी सही इस्तलाहात में बयान किया जाए तो किस्सा कुछ यूं है कि जहाज जब जमीन पर होता है तो ग्रेविटी इसे अपने साथ लगा कर रखती है। जहाज के इंजन थ्रस्ट की कुव्वत पैदा करते हैं जिसके नतीजे में जहाज रनवे पर आगे की जानिब दौड़ना शुरू होता है और तेज रफ्तार में इसके आगे बढ़ने के साथ ही आगे से आती हुई हवा के साथ टकराने की वजह से इसे ड्रैग का सामना करना पड़ता है। ड्रैग से निपटने के लिए पायलट इंजन से मजीद थ्रस्ट पैदा करके इसकी रफ्तार में मुसलसल इजाफा करते जाते हैं जिसकी वजह से सामने से आती हुई हवा पर की एयरफॉइल शेप के साथ टकराती रहती है और इसके नतीजे में लिफ्ट फोर्स पैदा होती है। और लिफ्ट फोर्स जब इतनी ज्यादा हो जाए कि जहाज पर इसका असर ग्रेविटी की नस्बत बढ़ जाए तो जहाज फिजा में बुलंद होकर उड़ने लगता है। और जब तक जहाज के इंजन्स का पैदा किया हुआ थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा रहेगा जहाज मुसलसल आगे बढ़ता रहेगा और जब तक लिफ्ट फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा रहेगी जहाज मुसलसल ऊपर उठता रहेगा। लेकिन जब जहाज एक मखसूस ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो इसे मजीद ऊपर बुलंद होने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ये सीधी सिम्त में अपनी मंजिल की जानिब परवास करता है। एक आम मुसाफिर बर्दार जहाज फिजा में तकरीबन 31,000 से 38,000 फुट की ऊंचाई पर परवाज करता है और फिजा में सीधी परवाज के दौरान इस पर असर अंदाज होने वाली तमाम कुव्वतें यानी ग्रेविटी, लिफ्ट, ड्रैग और थ्रस्ट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाती हैं जिसकी वजह से जहाज फिजा में रहता है और नीचे नहीं गिरता। आइए अब देखते हैं कि जहाज अपनी सिम्त कैसे बदलता है। सिम्त बदलने के लिए भी जहाज के परों पर लगे हुए 3 मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है और ये हिस्से हैं एलरॉन्स, एलिवेटर्स और रडर। पायलट्स इन तमाम हिस्सों को हसब जरूरत अलहदा अलहदा या फिर एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब जहाज को नीचे की तरफ लेकर जाना हो तो एलिवेटर्स को नीचे कर दिया जाता है जिससे हवा का बहाव कुछ इस तरह से होने लगता है और जहाज का मुंह नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता है। और अगर मजीद ऊपर की सिंत में जाना हो तो एलिवेटर्स का मुंह ऊपर कर दिया जाता है जबकि जहाज को मोड़ने के लिए एलरॉन्स और रडर का इस्तेमाल किया जाता है। मोड़ काटने के लिए पायलट्स एक एलरॉन को ऊपर और दूसरे को नीचे कर देते हैं और साथ ही रडर को भी मोड़ देते हैं। ऐसे करने से जहाज एक जानिब झुक जाता है और फिर पायलट्स जहाज के जाती महवर पर इसका मुंह ऊपर की तरफ उठा देते हैं जिससे जहाज उस सिम्त में बढ़ने लगता है जिस सिम्त में इसने जाना हो। शायद आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जहाज को उड़ाने के लिए दरकार ईंधन जहाज के परों में भरा जाता है क्योंकि जहाज के फ्यूल टैंक्स परों के अंदर मौजूद होते हैं। जहाज के तमाम हिस्सों को एक इंतहाई जदीद निज़ाम फ्लाई बाय वायर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। फ्लाई बाय वायर क्या होता है मौका मिला तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इस मौजू पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोज़ बराह रास्त आपके पास पहुँचें तो अभी अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकॉन दबा दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके प्यारे भी इस इल्म से मुस्तफीद हो सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।